देहरादून से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी की खूबसूरत वादियों से थोड़ा सा आगे 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भद्रराज का मंदिर। भद्रराज पहुंचने के लिए देहरादून से सबसे पहले आपको पहुंचना है मसूरी। मसूरी पहुंचने के लिए या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देहरादून स्थित रेलवे स्टेशन से आप मसूरी की डायरेक्ट गाड़ी, बस, जो भी आपकी सुविधा अनुसार वो ले सकते हैं। भद्रराज का ये मंदिर टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र भी है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानियों का सैलाब उमड़ता है। स्थानीय लोक कथा की माने तो एक बार नंदू मेहर नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था। खेत की खुदाई करते समय उसके खेत में उसे एक मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने के बाद आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के मध्य नंदू व्यक्ति से कहा गया, हे व्यक्ति, मेरी मूर्ति इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित कर एक मंदिर का निर्माण करना। वो व्यक्ति तत्काल ही उस मूर्ति को लेकर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर चल पड़ा। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी तो वो एक जगह रुक गया। उसने मूर्ति जमीन पर रखी और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी एक बार फिर से आकाशवाणी होती है और उसमें कहा जाता है कि यदि तुम यहाँ पर जमीन में खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। मटोगी गांव में वो नहर आज भी है जहाँ से नंदू मेहर ने खुदाई कर नहर निकाली थी। उसके बाद नंदू मेहर नाम का ये व्यक्ति अपनी प्यास बुझाकर पहाड़ी की सबसे ऊंची वाली चोटी पर पहुंच गया और यहाँ पर इस जगह पे इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नाम रखा भद्रराज। S Cleaner, now clean your system junk file with single touch.